3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 और बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसी तरह से है ये भी। आपको ये जो पॉइंट्स हैं आप इस तरह दे दिए हैं, तो अब मैं एक तुम आपको उदाहरण बता देता हूँ उसका एग्जांपल कि एक्स और वाई के इस तरह से जैसे -2 और 8 इस तरह से लिख सकते हैं इस जो पहले वाले पॉइंट को ऐसे, ये एक्स का पॉइंट पहले लेंगे फिर वाई का लेंगे, इस तरह से आपको लोकेट करना है, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट क्या है आपका -2, 8, मैं यहीं से बताता जाऊँगा, मैं बता रहा हूँ कि इस तरह लिखना है आपको x का और y के लिए, ठीक है। तो अब देखिए -2 x पे -2 इधर है और y पे 8 ये है, तो देखिए -2 और 8 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा 8 और -2, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आएगा 8 x पे -2 है ना, तो पहले -2 लिख देते हैं, -2, 8, ये पॉइंट आ गया -2, 8। अच्छा दूसरा पॉइंट है -1, 7, x पे -1 ये रहा, y पे 7 ये रहा, तो देखिए y पे 7 और -1 इसका पॉइंट यहाँ आएगा, क्योंकि x पे तो -1 तक ही जा रहे हैं, y पे 7 तक जा रहे हैं, तो ये आ गया आपका -1 और 7, दूसरा पॉइंट ये है आपका ये, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट देखिए, यहाँ थोड़ा ध्यान देना, x पे 0 है तो x पे हम कहीं भी नहीं जा रहे हैं, x पे कहीं नहीं गए, लेकिन y पे हम -1.25, y की वैल्यू माइनस में नीचे की तरफ आएंगे, 1.25 है, तो 1.5 तो यहाँ आएगा, तो 1.25 इसका भी आधा हो जाएगा, तो लगभग यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आएगा, देखिए x पे तो 0 है तो x पे इधर इधर नहीं गए, तो ये आ जाएगा 0 और -1.25, ये पॉइंट है ये वाला, ठीक है ना। अच्छा अब इसके बाद आ रहा है 1, 3, x पे 1 ये रहा, x ये है, और y पे 3 यानी यहाँ आ जाएंगे 1, 3, तो ये पॉइंट आ गया 1, 3। और इसके बाद x पे 3 y पे -1 ये रहा और y पे -1 है, तो नीचे की ओर आएंगे, -1 तो ये आएगा, ये पॉइंट है, थोड़ा और डार्क कर दिया मैंने ये, तो ये आ गया आपका 3 -1, x पे तो 3 तक गए लेकिन y पे -1 तक आए, y की ये y एक्सिस ये, बस ये सारे पॉइंट लोकेट होगा इसी तरह से, ये आपका आंसर आ गया, सिंपल है ये, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं आप।